जी हमें लेने के लिए मिर्च जो आए थे। जी मगरिब की नमाज हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। मगरिब की नमाज यहाँ पे अदा हुई है और आज इतना रश था अंदर, क्योंकि बाहर शहर में तो पानी था बारिश की वजह से, सारी आवाम मस्जिद के अंदर थी। और आज अंदर रश पता चला कैसा, तो भी बस रवाना होने लगे हैं, चलते हैं आप सीधा होटल, वहाँ जाके अपना सामान वगैरह करते हैं और निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह मदीना एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। तकरीबन लगा आधा घंटा लगा हमें यहाँ पे एयरपोर्ट आने तक, मस्जिद नबी से आधा घंटा एयरपोर्ट पर। सामान वगैरह जो है सब ने अपना अपना पकड़ लिया है, वो आगे हंसन चूर हमारे बाबू के साथ ही पीछे। अभी तकरीबन 3.5 घंटे के बाद हमारी फ्लाइट है, जाके बोर्डिंग शोटिंग करवा लेते हैं, इमिग्रेशन वगैरह जो भी है सारा काम करवाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ये काम हो गया है, उसके साथ साथ बहुत दिमाग भी ख़राब हुआ है, क्योंकि हमारे साथ हो चुका है एक प्रैंक में कुछ यूँ हुआ है कि जी हमारी ये बिजनेस क्लास का जो लाउंज होता है ना, वो मदीना एयरपोर्ट में है ही नहीं, यहाँ पे लाउंज ही नहीं है। पाकिस्तान में लाउंज था, खाना नहीं था, यहाँ पे लाउंज ही नहीं है, तो खाना कहाँ से आएगा। अभी चलते हैं आगे, बाकी का जाके आपको आगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो है पाकिस्तान एयरपोर्ट में लैंड हो चुके हैं और अभी इंतज़ार में है सामान के, और बहुत ही फ्लाइट का रिव्यू आपको थोड़ी देर बाद दूँ, क्योंकि थोड़े से थके हुए हैं और अभी सामान को गौर से देखना है, क्योंकि सामान ज़्यादा है, गौर से ना देखा नहीं तो चक्कर ही काटना रहेगा और हम तो यहाँ बैठे रहेंगे। हमें लेने के लिए मिर्च का जो है एयरपोर्ट पे, मैंने तुमसे कहा था कुछ लेके आना, मैं लेके आया हूँ आपको, पानी लेके आ गए हो, वो भी नहीं मिला हमें। क्यों एयरपोर्ट वालों ने रखा? तो